नमस्कार, यम्मी पकवान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ बेसन के मोदक। उसके लिए हमने ले रखा 2 कटोरी बेसन, इसको हमने छान लिया अच्छी तरह, 1 कटोरी और 2 चम्मच ज़्यादा चीनी हमने ले रखा है, थोड़ा सा हमने पीसा हुआ गुड़ ले रखा है, जो पीसी वाली शक्कर आती है गुड़ की वो वाली ले रखा, 2 चम्मच हमने नारियल का बुरादा ले रखा है, इसकी हम स्टफिंग बनाएंगे। मलाई ले रखा है 1 कटोरी हमने दूध की, इसकी जगह आप घी यूज कर सकते हैं। 2 चम्मच हमने ले रखा मिल्क पाउडर, 6 से 7 हमने बादाम काट रखा टुकड़ों में छोटे छोटे, 5 से 6 हमने काजू काट रखा, 4 से 5 हमने पिस्ता काट रखा, 5 से 6 हमने इलायची दरदरी कूट रखा है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ, जलाते हैं गैस। गैस हमने जला दिया है, कढ़ाई हमने रख दिया। अब हम डालेंगे बेसन, हम घी नहीं डाल रहे हैं, हम दूध की मलाई डाल रहे हैं। अगर आप घी यूज कर रहे हैं तो इस टाइम पर आप घी डाल सकते हैं, आधा घी अभी डालें, आधा घी बाद में डाल सकते हैं। अब हम इसको धीमी गैस पर भून लेंगे, जब तक इसका कलर नहीं चेंज होता तब तक हम इसको बिल्कुल धीमी गैस पर भूनते रहेंगे अच्छी तरह। बेसन हमारा अच्छी तरह भून गया है, आप लोग देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे दूध की मलाई, मलाई डालें आप तो बिल्कुल फ्रेश डालें, 1-2 दिन की डालें, वो भी फ्रीजर में रखें निकाल के, अगर 2 दिन की डाल रहे हैं तो। साथ ही हम डाल देंगे अब इसमें 2 कटोरी दूध, अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर, साथ ही हम डाल देंगे चीनी। गैस हमने बंद कर दिया, इसको भी हम मिला देंगे अच्छी तरह। चीनी अच्छे से मिल चुकी है, इलायची पाउडर अच्छी तरह मिल चुका हुआ है, चीनी अच्छी तरह हमने मिला दिया, हमने चीनी और इलायची पाउडर अच्छी तरह मिला दिया। अब हम मिलाएंगे मिल्क पाउडर, डो हमारा अभी काफी गर्म है, इसको भी अच्छी तरह हम मिला देंगे, फिर हम रख देंगे ठंडा होने को। गैस हमने नीचे उतार लिया और गैस से हमने नीचे उतार लिया, इसको गैस बंद कर दिया है ताकि बेसन हमारा चिपके ना। सारी चीज़ें हमने मिला दिया है, डो हमने रख दिया है ठंडा होने को, गैस हमारी जो है बंद है। आप कैसे चेक करेंगे कि इसका लड्डू बनेगा कि नहीं मोदक? ये देखो आप गोला बन रहा है ऐसे, अभी ये ठंडा होगा तो और बन जाएगा। इसी टाइम पर आप उतार दें, गैस बंद करके सारी चीज़ें मिलाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, नीचे जलेगा नहीं। अब हम इसको रख देते हैं ठंडा होने के लिए, तब तक हम बना लेते हैं स्टफिंग। गैस हमने जला दिया है, कढ़ाई हमने रख दिया है, अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच घी, इसमें हम डाल देंगे बादाम जो हमने काट के रखा हुआ था, काजू, आप किशमिश भी डाल सकते हैं। इसको हम भून लेंगे, अब हम डाल देंगे नारियल का बुरादा 2 चम्मच। आप जितना स्टफिंग बना सकते हैं कम ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा बनाएंगे तो ज़्यादा ले सकते हैं, कम बनाएंगे तो कम कर सकते हैं। अब हम साथ ही डाल देंगे गुड़, ये गुड़ नहीं है, गुड़ वाली शक्कर है हमने ले रखा है, आप गुड़ भी ले सकते हैं कद्दूकस करके। इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे, अब हम गैस बंद कर देंगे, इतना ही चाहिए हमें, अभी और पिघल जाएगा क्योंकि कढ़ाई हमारी गर्म है। तो हम इसको ठंडा कर देंगे, फिर हम बनाते हैं मोदक। डो हमारा इधर ठंडा हो गया है, इधर हमारी स्टफिंग तैयार है, तो हम इसके छोटे छोटे बोल बनाएंगे, एक गोलियां सी ऐसे बना लेंगे क्योंकि हम इसके अंदर भरेंगे मोदक के, ऐसे हम सारे बना लेंगे स्टफिंग। आप ऐसे भी बना सकते हैं, गोल भी बना सकते हैं, जैसे दिल करे जैसे आता है वैसे बना सकते हैं, ऐसे करके भी बना सकते हैं। डो हमारा ठंडा हो गया है, गोलियां भी हमने बना लिया है, अब हम इसमें लगाएंगे घी, इसमें हम थोड़ा सा डो लेंगे,
एक गोली हम लेंगे, इसको हम बीच में से डाल देंगे। आप देख सकते हैं मेरा मोदक तैयार है, इसको हम थोड़ा ऐसे प्रेस कर देंगे। बेसन मलाई मोदक मेरा बनके तैयार है, बनाने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी होता है खाने में। आप लोग भी बनाएं, गणेश जी को भोग लगाएं, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कैसा बना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।